हेलो गाइज, वेलकम टू द अनदर एपिसोड। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने जो है नोट 2 का जो है अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड किया था और आप लोगों ने उसे देखा भी है और उसको लाइक भी किया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप जाके इस वीडियो के बाद में उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बता दूँ, वन प्लस की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च मोबाइल नोट 2 का चार्जिंग टेस्ट का वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आपको जैसा कि ध्यान है, इस मोबाइल के साथ में जो है 65 वॉट का चार्जर आता है और इसमें जो है 4300 mAh की बैटरी है। तो जो वन प्लस कंपनी है, इस मोबाइल को 0 to 100% चार्ज करने का क्लेम जो है 30 मिनट का करती है। तो आज हम यही टेस्ट करने वाले हैं, क्या यह मोबाइल जो है 30 मिनट में फुल चार्ज होता है या नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं क्लासिफाइड टेक चैनल को। तो दोस्तों, यह है 65 वोट का सुपर वुक चार्जर जो कि हमको बॉक्स में देखने को मिलता है और एक रेड कलर की केबल देखने को मिलती है जिसकी लेंथ जो है काफ़ी ठीक ठाक है। ये सब डिटेल जो है दोस्तों, आप इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी देख सकते हैं, मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी केबल को लगा देते हैं चार्ज मोबाइल के अंदर और देखिए दोस्तों, यह 0% है अभी और हमने इसको चार्ज में लगा दिया है और जो स्टॉप वॉच है दूसरे मोबाइल में उसको भी चालू कर दिया है। तो दोस्तों, अब आप इसको देखिए और मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में कि यह कितने मिनट में कितना परसेंट चार्ज हुआ है। तब तक जो है दोस्तों, आप जो है बैकग्राउंड म्यूजिक का भी आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 29% जो है 9 मिनट में हो चुका है। 29 क्या 30% ही हो चुका है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, 9 मिनट से 10 मिनट के बीच में यह 30% चार्ज हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड है, क्योंकि 10 मिनट में आप अगर इसको चार्ज कर लोगे तो 30% मोबाइल आपका काफ़ी अच्छा बैकअप दे देता है। और यह इसका जो प्रोसेसर है वो भी 1200 Dimensity 1200 है जो कि 6 nm पर बेस्ड है, तो वो बहुत कम बैटरी कंजम्पशन करने वाला है। तो उस हिसाब से इसका जो बैटरी बैकअप जो है आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 15 मिनट में जो है ये लगभग 50% चार्ज हो चुका है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, अब ऐसे लग रहा है कि 50% 15 मिनट में हुआ है तो 30 मिनट के अंदर ये 100% चार्ज हो जाएगा। तो उसके लिए अभी आगे देखेंगे कि क्या वास्तव में ये चार्ज होता है भी है या नहीं होता है। तब तक आप बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लें। बीस मिनट के अंदर दोस्तों 65% चार्ज हो चुका है और आपके सामने यह है कंटिन्यू चालू है। अब बात कर ली जाए इसके 25 मिनट के बाद में, यह 78 to 80% के बीच में चार्ज हो चुका है। दोस्तों, 25 मिनट के अंदर 78% चार्ज होना भी बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि 30 मिनट में यह कितना परसेंट चार्ज होगा।
तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने मोबाइल पे 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा मोबाइल जो है 89 या 90% आप बोल सकते हैं इसको, 90% चार्ज हो चुका है। तो दोस्तों जो ओप्पो का नाम आ रहा है क्योंकि हमने ओप्पो कंपनी का भी पहले एक चार्जिंग टेस्ट किया था, दोस्तों वन प्लस कंपनी जो है अपने को 90% चार्ज करके देती है 30 मिनट के अंदर, और देखिए 96% चार्ज हो चुका है 33 मिनट्स के अंदर। तो दोस्तों इसमें जो है जो उनका जो क्लेम था कि 30 मिनट में 0 to 100% करने का, उसका क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग हो सकता है। वो हो सकता है कि डिस्प्ले को ऑफ़ करके करें, या फिर हो सकता है कि वह पावर सेविंग मोड को ऑन करके चार्ज करें, या फिर हो सकता है कि वह जो है इसको फ्लाइट मोड पे चार्ज करके करें। हम जो है इसको कंटिन्यू जो है डिस्प्ले को ऑन करके इसको चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, 98% यह चार्ज हो चुका है 34 मिनट्स में मात्र। तो दोस्तों इस मोबाइल को 0 to 100% चार्ज करने का जो हमें समय लगा है वह लगा है 35 मिनट्स का, 0 to 100% चार्ज करने का। तो ये जो 5% का जो गैप आया है, जो वन प्लस 30 मिनट का क्लेम कर रही है और हमें जो है 35 मिनट में यह फुल चार्ज देखने को मिला है, वो चार्ज डिफरेंस जो है दोस्तों मेरे हिसाब से हो सकता है कि हमने जो है इसे स्क्रीन ऑन करके ही चार्ज किया है उसका हो सकता है। तो दोस्तों यह भी बहुत अच्छी बात है वन प्लस की कि यह जो है मात्र 35 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो चुका है। तो दोस्तों मुझे यह चार्जर और इसका जो पावर कंजम्पशन जो डिटेल है वो बहुत अच्छी लगी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले बता दूँ, यह मोबाइल जो है मैं दिलीप वॉच कंपनी रतनगढ़ राहुल कम्युनिकेशन ने भेजा है, जिसकी डिटेल अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको भी अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नया मोबाइल वगैरह या कोई एसेसरीज वगैरह चाहिए तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। थैंक यू।